केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी को मंजूरी दे दी है। एनआरए को केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तावित किया गया था। विभिन्न सरकारी नौकरियों के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट आयोजित करने के लिए एक एकल निकाय के रूप में एनआरए विभिन्न जैसे कि आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को परीक्षा में उपस्थित होने के तरीकों को भी बदल देगा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनआरए क्या है, इससे परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होंगे, चयन प्रक्रिया क्या होगी, एनआरए सीईटी कब से आयोजित किया जाएगा, इसके सिलेबस क्या होंगे और भी कई चीजें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एनआरए की। एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक टेस्टिंग एजेंसी होगी जो गैर राजपत्रित पदों के लिए एलिजिबिलिटी परीक्षा आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगी। इसमें सरकारी क्षेत्र के बैंकों, आईबीपीएस, रेलवे की नौकरियों, आरआरबी और एसएससी की नौकरियां शामिल होंगी। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत स्थापित की जाने वाली एजेंसी में रेल मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग और आईबीपीएस के प्रतिनिधि होंगे। वहीं सीईटी का मतलब है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। एनआरए एक ऑनलाइन सीईटी आयोजित करेगा जो विभिन्न गैर राजपत्रित सरकारी नौकरियों के लिए आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी के लिए एक स्क्रीनिंग परीक्षा के रूप में काम करेगा। यह केवल परीक्षा का पहला स्तर होगा जो उम्मीदवारों द्वारा लिया जा सकता है। यदि योग्य होंगे तो उम्मीदवारों को परीक्षाओं के टीयर 2 और टीयर 3 के लिए उपस्थित होना होगा। 10वीं पास, 12वीं पास और ग्रेजुएट के लिए अलग अलग सीएटी का परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा साल में 2 बार और ऑनलाइन मोड में आयोजित किया जाएगा। एनआरए सीईटी का स्कोर 3 साल के लिए वैध होगा। इसका अर्थ यह है कि एक बार उम्मीदवार अगर सीईटी का परीक्षा पास कर लेता है तो उसे 3 साल तक परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है और वह भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित आयु सीमा के आधार पर 3 साल में आयोजित होने वाले अलग अलग परीक्षाओं में उपस्थित होने के लिए योग्य हो जाएगा। लेकिन अगर वह चाहे तो वह फिर से सीईटी का एग्जाम दे सकता है जिसमें कि वो अपने अच्छे मार्क्स के लिए अच्छे से तैयारी कर सकेगा। एनआरए के लागू होते ही एनआरए के लिए पाठ्यक्रम की घोषणा की जाने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि इसका सिलेबस परीक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए प्रारंभिक परीक्षाओं के लिए वर्तमान पाठ्यक्रम के अनुरूप होगा। वहीं एनआरए सीईटी का एग्जाम न केवल हिंदी या अंग्रेजी में बल्कि भारत के 12 अन्य भाषाओं में भी आयोजित करेगा। यहां आपको बता दें कि अगर आप सीईटी का एग्जाम पास कर लेते हैं तो भी आपको भर्ती के दूसरे और तीसरे दौर में उपस्थित होना पड़ेगा। एनआरए केवल एक बुनियादी योग्यता के लिए स्क्रीन करेगा जबकि वास्तविक सिलेक्शन जो भी एजेंसियां हैं आरआरबी, एसएससी और आईबीपीएस उनके द्वारा निर्धारित मानदंडों पर आधारित होगा। एनआरए के 1000 टेस्ट सेंटर बनाए जाएंगे। ये सेंटर जिला हेडक्वार्टर्स में बनाए जाएंगे। यहां उम्र में कोई भी छूट नहीं मिलेगी और फीस कंसेशन भी पहले जैसे ही रहेंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में होगा। सरकार के इस फैसले से देश के करोड़ों छात्रों को लाभ मिलने की संभावना बताई जा रही है। इससे युवाओं की मेहनत और पैसा दोनों की बचत होने की बात करी जा रही है। इस सिस्टम से छात्रों को सबसे ज्यादा फायदा ये होने वाला है कि उसे अब अलग अलग राज्यों में जाकर एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।